हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। मैंने लास्ट वीडियो में आपको कॉलेज सिस्टम के जो क्लासिकल वेरिएशन से क्लासिकल मूव्स मैंने बताए थे कि कॉलेज सिस्टम कैसे खेला जाता है। बहुत ही बढ़िया ओपनिंग है वाइट से, एकदम स्टेडी है, अर्ली अटैक भी नहीं है और फुल्ली डेवलपमेंट करने के बाद, आसानी से कैसल करने के बाद आप अपना दोनों तरीके से प्लान बना सकते हो, क्वीन साइड और किंग साइड दोनों साइड। दोस्तों, क्वीन कोले वर्सेस डच और कोले वर्सेस किंग्स इंडियन, ये दो मैं बताने वाला हूँ आज आपको, लेकिन उसमें कोले सिस्टम का स्ट्रक्चर नहीं बनने वाला है, खास ध्यान रखो। कोले वर्सेस सिर्फ मैंने एक टाइटल दिया है कि कोले वर्सेस हम खेल रहे हैं। कोले वर्सेस का मतलब हम d4 प्लेयर है, अगर हम वाइट से फर्स्ट मूव d4 करते हैं तो हमें d4 के सामने जितने भी चैलेंजेस आते हैं उतने हमें तैयारी करके खेलने होते हैं। तो d4 d5 हमारा जो नॉर्मल क्लासिकल वेरिएशन है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि d4 d5 और क्लासिकल में नाइट f3 वर्सेस नाइट f6, ये हमारा नॉर्मल वेरिएशन है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ d4 nf6 और d4 e6, ये दोनों e6 यानी बर्स ओपनिंग, जो डच स्टोन वॉल खेलते हैं ब्लैक, जो वाइट से हम बर्स भी बोल सकते हैं, हम वाइट से भी ये स्ट्रक्चर खेल के करके खेल सकते हैं। उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे मेरे दूसरे वीडियो में कि बर्स ओपनिंग के बारे में वाइट से मैं बताऊंगा f4 प्लेयर, लेकिन आज हम डिस्कस कर रहे हैं डच स्टोन वॉल और किंग्स इंडियन। बहुत ही फेमस ओपनिंग है आजकल किंग्स इंडियन। दोस्तों, आपको वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा गेम्स उसमें दिखेगी किंग्स इंडियन की। तो d4 e6 नाइट f3 f5, ये होता है डच स्टोन वॉल का स्ट्रक्चर। पहले से ही ब्लैक f5 खोल के आपके किंग साइड अटैक का चैलेंज करते हैं। दोस्तों, नॉर्मल जो लाइन है वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, इसमें बहुत ही अटैकिंग लाइन आपको बताऊंगा वाइट से, बहुत ही मजा आने वाली लाइन है और मैं बहुत सारी गेम्स खेल चुका हूं और मेरा इसका विन रेट 100% है। तो h3 g4 अटैक में उसे बोलता हूं, और h3 g4 अटैक कैसे करते हैं, इस ओपनिंग का नाम है स्टोनटन गैम्बिट, जिसे h3 g4 अटैक कहते हैं। तो यहाँ पे f5 के बाद वाइट से हम खेलते हैं h3, ये मूव ऑर्डर ध्यान रखना, बहुत ही मजा आने वाला है। h3 के बाद ब्लैक खेलता है नाइट f6 और यहां आपको करना है g4, पॉन सैक्रिफाइस आपको किंग साइड करना है, पर इसमें सैक्रिफाइस वाली कोई बात नहीं है, दो तीन मूव में आपको पॉन के बदले पीस भी मिल सकता है और मैं बहुत सारी गेम्स जीत चुका हूँ ऐसी पोजीशन से। मेरे सामने मैं चैलेंज करता हूँ कि ज़्यादातर प्लेयर डच स्टोन वॉल खेलते ही नहीं है, क्योंकि मैं यही अटैक करता हूँ। एफ क्रॉस g4, एच क्रॉस g4 और नाइट क्रॉस g4। यहाँ पे दोस्तों आपका एक पॉन डाउन हो गया, लेकिन ब्लैक की किंग साइड टोटली ट्रबल में है। तो यहाँ पे डेंजर में किंग है, यहाँ आपको खेलना है क्वीन d3 नेक्स्ट स्टेप। क्वीन d3 आपको सामने वाले को रुक क्रॉस जो h7 पे आप थ्रेट कर रहे हो, ये रुक क्रॉस h7 की थ्रेट है। यहाँ पे ब्लैक खेलता है नाइट f6 अगर रिटर्न, तो यहाँ आपको खेलना है बिशप g5, फिर से आपको थ्रेट देना है आफ्टर bg5 ब्लैक खेलेगा बिशप e7 और यहाँ नाइट e5 और ये पोजीशन आप स्टॉक फिश में देख सकते हो कि वाइट की ओर से बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन है, 5+ बता रहा है वाइट इंजन की ओर से। नाइट c6 यहाँ पे ब्लंडर होगा, डबल क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पे नाइट c6 में रुक क्रॉस h7 सैक्रिफाइस आता है। रुक h7 के बाद आफ्टर रुक टेक्स h7 चेकमेट इन टू मूव्स, यहाँ पे क्वीन g3 किंग और क्वीन f7 चेकमेट है। तो दोस्तों, ये है डच स्टोन वॉल के सामने खेलने की लाइन। अब मैं आपको बताऊंगा कोले वर्सेस किंग्स इंडियन का परफेक्ट मूव्स। यहां पे हम देखते हैं d4 ब्लैक प्लेड नाइट f6, अगर ब्लैक नाइट f6 करता है, सेकंड मूव हमारी कोले सिस्टम की रहेगी सेम मूव, जिसमें कोई चेंजिंग नहीं है, आपको नाइट f3 ही खेलना है। यहाँ ब्लैक के पास किंग्स इंडियन के लिए दो मूव है, एक तो d6 या g6,
हम यहाँ पे G6 की ओर से ही देखते हैं, G6 मेन मूव है किंग्स इंडियन का। यहाँ पे आपको तुरंत नाइट C3 करना है और E4 सेंटर पे कंट्रोल करने के लिए आफ्टर नाइट F3 बिशप G7 और E4 बहुत सारी गेम्स में जीत चुका हूँ। ये लाइन कोई आपको बताएगा नहीं क्योंकि किसी बुक में नहीं है, मैंने खुद के स्टडी करके बनाए हूँ। आफ्टर E4 ब्लैक को D6 जरूरी है, D6 के बाद बिशप F4, यहाँ पे आप बिशप G5 भी कर सकते हो, ब्लैक कैसल करेगा और यहाँ पे मैं आपको कैसल करने को नहीं कहूंगा, आपको कहूंगा क्वीन D2 करो। ऑप्शन रखो अपने हाथ में लॉन्ग कैसल और शॉर्ट कैसल दोनों ओर से। आफ्टर क्वीन D2 ब्लैक खेलेगा B6, बिशप E2, बिशप B7, उसके बाद D5। यहां पे आपको इस पॉन पे अगर दो अटैक है तो सिंपल D5 करके ब्लैक का जो लाइट स्क्वायर बिशप है उसे बिल्कुल बंद कर देना है। NBD7 परफेक्ट मूव है ब्लैक के लिए और यहां पे आपको बिशप H6 कर सकते हो बेस्ट ऑप्शन में और H3 देन G4 ये भी अटैक कर सकते हो। बहुत सारे अटैक है आपके हाथ में। आइडिया बिहाइंड दिस मूव लॉन्ग कैसल देन H3 G4 अटैक द किंग साइड। तो ये बहुत ही बेहतरीन लाइन है किंग्स इंडियन के सामने खेलने में और आपको बहुत मजा आएगा और कोई भी गेम ज़्यादातर कम्प्लीटली इक्वल पोजिशन में चलेगी अगर आपके सामने हायर रेटेड प्लेयर है तो। अगर कोई लोअर रेटेड प्लेयर है तो आप उसे आसानी से ये लाइन खेल के हरा भी सकते हो। तो कोले का लास्ट टाइम हमने बिशप F5 वेरिएशन देखा था, बिशप G4 वेरिएशन देखा था, आज हम ये दो वेरिएशन जो कोले वर्सेस D4 वर्सेस डच स्टॉनवॉल और D4 वर्सेस किंग्स इंडियन ये कैसे खेला जाता है क्लासिकल वेरिएशन भी हमने देख लिया। इसमें आपको ओपनिंग प्रिंसिपल स्ट्रेटेजी प्लानिंग मिडल गेम टैक्टिक्स एंड गेम वगैरह बहुत सारा चेस में जितना भी है सब कुछ आना चाहिए तभी आपकी गेम बहुत ही पावरफुल होती है। मेरे सारे वीडियो में एंड गेम मिडल गेम ओपनिंग सब वन बाय वन मैं आपको बताता रहता हूँ और हर बार हम कुछ ना कुछ नए टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। अभी फिलहाल हमारी जो लाइन चल रही है सीरीज चल रही है कोले सिस्टम की, तो वाइट से D4 प्लेयर को कैसे खेलना चाहिए उसके बारे में मैंने दो वीडियो लगातार आपको दे दिए हैं। इसके ऊपर आप स्टडी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए और जल्दी से इसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, जय गुजरात।